चंडीगढ़ में पानी के बढ़े हुए दामों पर भाजपा और कांग्रेस में राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस ने प्रदर्शन से पहले भाजपा नेताओं द्वारा जारी किए गए बयान पर चंडीगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चावला ने भाजपा अध्यक्ष अरुण सूद को पत्र लिखा है। लिखे हुए पत्र में चावला ने कहा है कि इस प्रदर्शन को रोकने के लिए भाजपा के कार्यकर्ताओं पर उन पर हमला भी करेंगे तो वे गांधीगिरी दिखाते हुए अपना सिर उनके आगे कर देंगे। कांग्रेस अध्यक्ष ने इसके जवाब में लिखा कि बीजेपी अध्यक्ष के नाते नहीं, निगम पार्षद के नाते ही आ रहे हैं। इन पानी के दामों में बढ़ोतरी नगर निगम में आपके भाजपा के पार्षद के होते हुए हुई है और वही दोषी है। अगर आप नहीं चाहते कि हम आपके घर आए तो आप बता दीजिए, आप सेक्टर 37 में आप कहां हमसे आकर हमारा मांग पत्र ले सकते हैं। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को सेक्टर 37 में नहीं घुसने देंगे, ये लोकतंत्र की भावनाओं के खिलाफ है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ मेरा और आप सबका है, यह हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है कि हम जनता की आवाज को जोर शोर से उठाएं। हम सेक्टर 37 में इकट्ठे हो रहे हैं, अगर आपके कार्यकर्ता हमें मारेंगे, हम पर हमला करेंगे तो हम अपना सिर झुकाकर उनके सामने बैठ जाएंगे। हम गांधीवादी विचारधारा के लोग हैं और शांतिपूर्ण ढंग से इस आंदोलन को जारी रखेंगे। दूसरी ओर बीजेपी के कार्यकर्ता भी बाहर निकल आए और कांग्रेस के सामने अड़कर डट गए। इस दौरान पुलिस ने मौका संभाला और बीच में बैरिगेट लगा दिए। बीजेपी प्रधान अरुण सूद कहने लगे कि ये प्रदर्शन करने की जगह नहीं है, यहाँ पर लोग रहते हैं, बच्चों के पढ़ाई के दिन है, पेपर नजदीक है, बुजुर्ग है, वे यहाँ रहते हैं। यदि इस तरह का प्रदर्शन करना है तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिस में जाकर करें या भाजपा के ऑफिस में करें। इस तरह रास्ता रोक कर सड़क के बीचों बीच प्रदर्शन नहीं हुआ करते, ये कांग्रेस की गुंडागर्दी है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से चंडीगढ़ के जो नए अध्यक्ष हमारे हैं सुभाष चावला जी की अगुवाई में, ये एक सिर्फ गुलाब का फूल देना और एक मेमोरेंडम देना था पार्षदों को कि आप या तो इन पानी के बड़े हुए रेटों को वापस ले लें या फिर इस्तीफा दें। इतनी सी बात थी, बिल्कुल शांतिमय ढंग से गांधीवादी तरीके से ये हमारा प्रदर्शन था, लेकिन उसको इन्होंने इतना आक्रमित बना दिया कि पता नहीं हम लोग उनके घर में क्या करने जा रहे हैं। हम एक फूल दे रहे हैं और उधर से बीजेपी हम पे पत्थर फेंक रही है, ये हालत है आपकी। आप देख लीजिए किस तरीके से बैरिकेटिंग कर दी गई है, पानी के टैंकर्स मंगवा लिए गए हैं। बताइए, अगर हम आज लोगों की लोकतंत्र की लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, लोगों की आवाज़ नहीं बन सकते हैं, तो उसका क्या फायदा। इसका जो हमारा प्रदर्शन है वो चंडीगढ़ कांग्रेस की तरफ से रखा गया है। भारतीय जनता पार्टी की जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसने पानी के रेटों को बेतहाशा वृद्धि यहाँ पर चंडीगढ़ में कर दी है। पानी के रेटों की दरों में 3 गुना तक वृद्धि कही गई है, जिससे शहर की जनता पूरी तरह से परेशान है। लोग त्राहिमान त्राहिमान कर रहे हैं, लोगों के पानी के बिल जो 500-1000 रुपये आते से 3-4000 रुपये महीना आने शुरू हो गए हैं और लोगों के बीच में एक बहुत बड़ा रोष और आक्रोश है। आज कांग्रेस पार्टी लोगों की आवाज़ यहाँ पर उठाना चाहती है और हमने ये फैसला किया कि बहुत ही एक शांतिपूर्वक ढंग से एक मार्च जो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं, जिसमें आज अरुण सूद जो उनके अध्यक्ष भी हैं और पार्षद भी हैं, सुनीता धवन और यहाँ पर मेयर रविकांत शर्मा, जो तीनों 37 सेक्टर में रहते हैं, उनके घर पर हम एक शांतिपूर्वक मार्च कर गांधीगिरी दिखाते हुए एक गुलाब का फूल और साथ में उनको एक ज्ञापन देंगे जिसमें मांग की जाएगी कि पानी के बढ़े हुए मांगों को रेटों को तुरंत जो है वापस किया जाए। अगर आप नहीं कर सकते तो किस हक से आपने बढ़ाया था, आपने अपने वादा को वादा खिलाफी की है, इसलिए आप अगर ये नहीं कर सकते, पानी के रेटों को नहीं कम कर सकते, तो आप अपने पद से इस्तीफा दे दें, क्योंकि आप इस पद पर बैठने के लायक नहीं हैं। अगर आप चंडीगढ़ की जनता को दुख देने का काम कर रहे हैं, अगर आप जनता को परेशान करने का काम कर रहे हैं, एक के बाद एक टैक्स लगा रहे हैं, पानी की दरों को इतनी बुरी से बढ़ा रहे हैं, तो इसके विरोध में आज हमारा प्रदर्शन। बहरहाल अब चंडीगढ़ में पानी पर सियासत गर्मा गई है, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरीके से दोनों पक्षों को आज पुलिस के हस्तक्षेप करने के बाद शांत करवाया गया, तो आगे की रणनीति इस मसले पर दोनों पार्टियों की क्या रहती है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट।